हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास पायलट चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हीमोपोइसिस चैप्टर से स्टार्ट किया था, एंड फाइनली हम लोग एनाटॉमी चैप्टर देख रहे हैं। तो आज भी वैसे ही मैं एनाटॉमी से क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज, एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है देन आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, फॉर एग्जांपल पैरासाइटोलॉजी से हो, एनाटॉमी से हो, फिजियोलॉजी से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, या फिर आप लोगों का पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से भी हो, तो ये सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसे वीडियोस नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ और आप लोगों को यहीं से ही पढ़ाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस नर्वस सिस्टम के ऊपर रहेंगे, और भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लिम्फैटिक सिस्टम के ऊपर है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हिच डॉकलेस ग्लैंड सिक्रेट हॉर्मोन्स। तो हार्मोन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर ह्यूमन बॉडी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिजॉर्डर्स, ऐसे डिजीजेस हैं जो कि हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हमारा डायबिटीज को ही देख लीजिए। तो हमारे जो पैनक्रीज एक ऑर्गन है विच सिक्रेट्स इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागन, ये दोनों हार्मोन्स को हमारे पैनक्रीज सिक्रेट करता है, विच कंट्रोल्स आर ग्लूकोजन लेवल इन आर बॉडी। तो इंसुलिन के डिफिशियंसी की वजह से या फिर इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से ये जो डायबिटीज डिजॉर्डर होता है, मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है ग्लैंड्स के बारे में। तो डॉकलेस ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, विच सिक्रेट्स हॉर्मोन्स। तो पहले देख लेते हैं उसका ऑप्शंस क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फाइनली आप लोगों का है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ग्लैंड सिक्रेट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स को, बट यहाँ पे और एक क्लू भी आप लोगों के लिए दिया गया है। ये क्या है कि डॉकलेस ग्लैंड, डॉकलेस मतलब जिन लोगों का डॉक्ट नहीं है, तो डॉकलेस ग्लैंड जो है कुछ सिक्रेट्स हॉर्मोन। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये ऑब्वियसली एंडोक्राइन ग्लैंड ही होगा गाइस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो नॉर्मली ग्लैंड के बारे में पूछा नहीं है, ऐसे डॉकलेस ग्लैंड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आंसर विल बी एंडोक्राइन ग्लैंड, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि नर्वस सिस्टम के ऊपर है। नर्व सेल विथ ऑल इट्स ब्रांचिंग आर नॉन एज, जैसे कि हम लोगों का जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे ही हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम भी है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व सेल विथ ऑल इट्स ब्रांचिंग सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो प्रॉपरली एनाटॉमिकल अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों के ऑप्शन में दिए गए हैं न्यूरॉन्स, सेकंड पे दिया गया है न्यूरोग्लिया, नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है टैक्टाइल सेल्स, एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि ऐसे कौन से नर्व सेल है विथ ऑल इट्स ब्रांचिंग, आप लोग उसको एनाटॉमिकल वर्ड में क्या बताओगे। सो द आंसर विल बी ऑफकोर्स द न्यूरॉन्स। तो दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सो न्यूरॉन्स होगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को पता था तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं पता था इसको नोट कर लो गाइज, दिट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये आप लोगों का बहुत सारे थियोरिटिकल कंसेप्ट को भी क्लियर करेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि ब्रेन के ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्रेन, आप लोगों का जो मिड ब्रेन एक पार्ट है, जो मिडिल पर्सन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। तो आप लोगों को पूछा गया है कि मिड ब्रेन का जो फंक्शन क्या है, तो चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है ऑडिटोरी रिफ्लेक्सेस। ऑडिटोरी यानी जो आप लोगों का ऑडिटोरी ऑर्गन है ईयर, जैसे कि आप लोग सुन रहे हो, दैट ऑडिटोरी रिफ्लेक्सेस इसका काम हो सकता है क्या। या फिर सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल यानी तो जैसे कि आप लोग अपने आंखों से देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल प्रोसेस। ठीक है, तो विजुअल प्रोसेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस। फाइनली आप लोगों को ऑप्शन सी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, एंड कंट्रोल ऑफ हार्मोन एक्टिविटी। तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा काम है जो कि हमारा मिड ब्रेन का काम होता है। सो द आंसर विल बी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एज वेल एज विजुअल रिफ्लेक्सेस। इसका मतलब उसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आप लोग अगर ए को चुनोगे दैट विल बी रॉन्ग, अगर आप लोगों ने बी को चुना है दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये दोनों काम हमारा मिड ब्रेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं थ्रू आवर लॉन्ग्स। ठीक है,
तो हम जो सांस ले पा रहे हैं हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है विच कंट्रोल्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट है आप लोगों का पॉन्स, नेक्स्ट आप लोगों का है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, एंड नेक्स्ट है आप लोगों का बोथ ए एंड बी, एंड फाइनली आप लोगों का है मिड ब्रेन। तो आप लोग मुझे अगर आप लोगों को पता है ये कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल हमारा कौन कर सकता है। ठीक है, सो द आंसर होगा जैसे कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड, जो कि मेरा फेवरेट वर्ड है, आप लोग बता सकते हो। तो जब हमारा एनाटॉमी क्लास होता था ये वर्ड मुझे बहुत ही पसंद आया था, मतलब मैं इसको रट्टा मार ली थी। ठीक है, तो सो द आंसर विल बी मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लॉन्गाटा हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है एंड इट कंट्रोल्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको मत भूलना। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट तो आप लोगों को अभी कोरोना के टाइम पे जैसे आप लोगों का जो सिम्टम्स हो रहा है उसी के ऊपर है, जैसे कि वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड स्वालोइंग प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय। तो आप लोग जो खाना खा रहे हो, आप लोग जो स्नीजिंग मतलब जो कोल्ड कफ के टाइम पे आप लोग जो स्नीज करते हो, एंड एज वेल एज आप लोगों का वोमिटिंग जो हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट ऑल्सो आप लोगों को ये बात पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। राइट, सो द ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन है पॉन्स, नेक्स्ट है वही मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, एंड नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, एंड फाइनली आप लोगों का है मिड ब्रेन। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारा जो ऐसे जो स्वालोइंग प्रोसेस या फिर स्नीजिंग प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो इसका आंसर होगा पॉन्स एज वेल एज मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं चूज करना है, तो आंसर विल बी पॉन्स होगा, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा होगा, ये दोनों होगा। तो इसका मतलब आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेंस, तो मैं जैसे कि आप लोगों को बताई थी नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। थोड़ा ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ऑप्शन आप लोगों के सामने, जैसे कि नर्व्स इनसाइड द ब्रेन, नर्व्स इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड फाइनली आप लोगों का दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुकी हूँ और आज भी ऐसा ही बोल रही हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए गाइस, तो आप लोग उसी वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करो। पेरिफेरल, पेरिफेरी, और यू कैन से इट एज सराउंडिंग, सराउंडिंग नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग किसे बोल सकते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड, इसको आप लोग बोल सकते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग क्वेश्चन इन दिस वीडियो होल टोटल सीरीज, मुझे जो लगा मतलब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नर्व्स के ऊपर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है क्रैनियल नर्व्स आर डैश इन पेयर्स। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि 6, 12, 14, 18। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को बता दूंगी, सो आंसर विल बी 12। तो आप लोग मुझे पूछोगे तो आप लोगों ने ऐसा कैसे 12 बता दिया, तो मैं 12 पूरा इन डिटेल बताऊंगी। तो आप लोग अगर नहीं पता है आप लोग उसको नोट कर लो गाइज। तो फर्स्ट है आप लोगों का ऑप्टिक नर्व, जो कि अपने आंखों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व होने के बाद आप लोगों का है अल्फैक्टरी नर्व, अल्फैक्टरी जो सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है ट्राइजेमिनल नर्व, नेक्स्ट आता है ट्रोक्लियर नर्व, और एक होता है फेसियल नर्व, नेक्स्ट आप लोगों का आता है ऑक्यूलोमोटर नर्व, एंड और एक है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, एंड फाइनली आप लोगों का है एब्ड्यूसेंस नर्व। तो ये सारे 12 नर्व्स का नाम मैंने बता दिया, तो स्पेलिंग भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको याद भी रख लो, ये आगे आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताई उसी के ऊपर बेस्ड है, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट आर द नर्व्स ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, तो ऐसा कौन सा नर्व है जो कि स्मेल में हमारा प्रेजेंट रहता है, मतलब हमारे सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करता है। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर ऑप्टिक नर्व, नेक्स्ट आप लोगों का ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड है आप लोगों का ट्रोक्लियर नर्व, एंड फाइनली है आप लोगों का अल्फैक्टरी नर्व। तो ये जो चार ऑप्शन है, मुझे आप लोग ये बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा आप लोगों का नर्व हेल्प करता है सेंस ऑफ स्मेल में। सो आई नो ये आप लोगों को पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सो द आंसर विल बी अल्फैक्टरी नर्व। राइट, तो इस क्वेश्चन के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि थाइमस इज प्रेजेंट, तो थाइमस एक ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे इसलिए रखा है क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैव दिस क्वेश्चन गाइज। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अच्छे से सुन लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बिहाइंड द लॉन्ग्स,
बिहाइंड द रिब्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम एंड फाइनली आप लोगों का अननेक रीजन। तो ये जो थाइमस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो थाइमस आप लोगों का प्रेजेंट है बिहाइंड द स्टर्नम, इन बिटवीन द लॉन्ग्स, ऑन द फ्रंटल साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी आप लोगों का बिहाइंड द स्टर्नम, डायरेक्टली बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन बिटवीन द लॉन्ग्स आप लोगों का है आप लोगों का दिस थाइमस। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो पता कर लीजिए, इसको रट लीजिए, जो भी कर लीजिए, बट याद होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन फारिंग्स। तो आप लोगों को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले हमारा रहता है माउथ, व्हिच सीक्रेट्स सलाइवा, व्हिच कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और अदरवाइज कॉल्ड एज टाइलिन, व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का वो जो प्रोसेस्ड फूड जाता है कहीं पे, नेक्स्ट थ्रू फारिंग्स जाता है हमारे स्टोमक को थ्रू इसोफागस। तो हमारे जो दिस फारिंग्स रीजन है, तो फारिंग्स रीजन में कौन सा ऐसा लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस आप लोगों के दिए गए हैं अपेंडिक्स, थाइमस एंड नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है स्प्लीन एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है टेंसिल्स। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से वो क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो ऐसा कौन सा रीजन है लिम्फेटिक टिश्यू है जो कि फारिंग्स पे प्रेजेंट रहता है? अगर आप लोग थोड़ा ऑप्शंस को देखोगे, अपेंडिक्स वो तो हमारे बॉडी के अंदर है ना, राइट, वो तो फारिंग्स में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो थाइमस को तो हम लोगों ने देख लिया, वो बिहाइंड द स्टर्नम प्रेजेंट है, तो थाइमस भी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आप लोगों का है स्प्लीन, स्प्लीन भी हमारे इन दिस रीजन थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया हमारा टॉन्सिल। तो टॉन्सिल अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक मिरर लेके, एक टॉर्च लेके अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ यहीं पे द स्नेक रीजन पे आप लोगों को दिखाई देगा एक छोटा सा टोंग होगा, तो उसको बोलते हैं टॉन्सिल। तो वो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, दिस इज द लिम्फेटिक टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन आर फायरिंग्स रीजन, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट, चलिए चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देखो। तो क्वेश्चन इज आउटर कवरिंग ऑफ लॉन्ग्स इज नॉन एज। तो थोड़ा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आप लोगों का दिया गया है पेरिकार्डियम, नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, नेक्स्ट है मायोकार्डियम एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है विसरल लेयर। तो मतलब फर्स्ट देखते हैं कि पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरी मतलब जैसे कि आप लोगों में बताई थी, पेरी मतलब सराउंडिंग, पेरीफेरी, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, आप लोगों ने कार्डियोलॉजी वर्ड सुना ही होगा ना, कार्डियक, कार्डियोलॉजी, सो द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। तो कार्डियक यानी हर्ट हुआ ना, तो हर्ट इज रिलेटेड टू पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम वही कार्डियम है मतलब हार्ट रिलेटेड, तो हार्ट का जो अंदर का मतलब इनर लेयर ऑफ दिस हार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है मायोकार्डियम, मायो मीन्स मिडिल, तो एंडोकार्डियम, नेक्स्ट है मायोकार्डियम, नेक्स्ट है पेरिकार्डियम, ये हार्ट के लेयर है, ये लॉन्ग्स के लेयर नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट फाइनली आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विसरल लेयर, सो द आंसर विल बी विसरल लेयर। गाइस लॉन्ग्स जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको विसरल लेयर बोलते हैं, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर कुछ और भी टेस्ट करने के लिए हम लोग प्लूरल फ्लूइड कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आज का जो एनाटॉमी का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अगर वीडियो थोड़ा जल्दी हो गया हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ और भी काम करती हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो अगर कुछ भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, तो के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।